डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जमालपुर कॉलेज जमालपुर। यहाँ बीकॉम पार्ट थर्ड के लिए कॉस्ट अकाउंट के कॉस्ट शीट चैप्टर के संबंध में मैं प्रकाश डालूँगा। किसी वस्तु के उत्पादन का कॉस्ट किस प्रकार निकाला जाएगा यह बताऊँगा। ये कॉस्ट शीट, कॉस्ट स्टेटमेंट एंड प्रोडक्शन अकाउंट, इकाई अथवा उत्पादन विधि का प्रयोग उन उद्योगों में किया जाता है जहां वस्तुओं का उत्पादन एक समान रीति से किया जाता है। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट अंडर आउटपुट कॉस्टिंग, कुल लागत एवं इकाई लागत टोटल कॉस्ट एंड यूनिट कॉस्ट को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होता है। मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस। टाइप्स ऑफ कॉस्ट शीट, अब ये सिंपल कॉस्ट शीट, ये कॉस्ट शीट विथ प्रॉफिट, ये कॉस्ट शीट विथ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, कंपैरेटिव कॉस्ट शीट। यहाँ पर मैं कॉस्ट शीट विथ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट का नमूना से स्टूडेंट को ये कॉस्ट शीट की जानकारी दूंगा। स्पेसमेन ऑफ ये कॉस्ट शीट विथ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ये यहाँ पर तीन कॉलम है। ये फर्स्ट कॉलम है पर्टिकुलर्स, सेकंड कॉलम है टोटल कॉस्ट और थर्ड कॉलम है कॉस्ट पर यूनिट। उसमें सबसे पहले हम लोग डालेंगे इस फॉर्मेट में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, उसके बाद डायरेक्ट लेबर ऑब्लिक वेजेस। इन दोनों के अमाउंट को जब ऐड करेंगे तो निकल जाएगा ये प्राइम कॉस्ट। अब इसमें ऐड करेंगे ये फैक्ट्री ऑब्लिक ओवरहेड एक्सपेंसेस। इसके अंतर्गत आता है ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस, लाइट, रेंट ऑफ फैक्ट्री और अनप्रोडक्टिव वेजेस। इन सारे एक्सपेंसेस को ये प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे तो फैक्ट्री ऑब्लिक वर्क्स कॉस्ट निकल जाएगा। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इसके अंतर्गत आता है ऑफिस सैलरीज, रेंट, डिप्रिसिएशन एंड जनरल एक्सपेंसेस। इन सारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को वर्क्स कॉस्ट में जोड़ेंगे तो यह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगा। ये टोटल कॉस्ट, उसके बाद हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट पर। इसमें भी तीन कॉलम हैं। ये फर्स्ट कॉलम है पर्टिकुलर्स, ये सेकंड कॉलम है टोटल कॉस्ट और थर्ड कॉलम है कॉस्ट पर यूनिट। जो ये पिछले पेज में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकला था वो इसमें डालेंगे टोटल कॉस्ट की जगह पर और फिर उससे कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। इसमें ऐड करेंगे ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एक्सपेंसेस। इसके अंतर्गत आता है सेलिंग एक्सपेंसेस, ये बैड डेट्स, डिस्काउंट
and advertisement. इन सारे एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तो निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स. अब हम लोग को सेलिंग ये सेलिंग प्राइस निकालना है तो उसमें हम लोग प्रॉफिट ऐड करेंगे. प्रॉफिट ये आदर 10% भी हो सकता है, ये 20% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है और 5% भी हो सकता है. तो इसमें हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो यह निकल जाएगा सेलिंग प्राइस. ये सेलिंग प्राइस ये हुआ ये कॉस्ट शीट के बारे में.